नमस्कार साथियों, सेल्स टैब के इस बेहतरीन मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हर रोज की तरह उम्मीद करता हूं तैयारियां बहुत बढ़िया होंगी और आपकी सेहत भी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन आज के मोटिवेशन के साथ। और भाई, कल काफी कम थे बच्चे, क्योंकि कल जो है जो क्लास थी वो उसी टाइम पीरियड में थी जब विनय सर जो है आपके HAS को लेकर दोस्तों अपनी प्लानिंग जो है वो कैसे आप बना सकते हैं, तो एक सेशन ले रहे थे। तो कल भी काफी सारे बच्चों ने जो है क्लास बाद में देखी। तो दोस्तों, क्लास अगर आपके पास 6:15 बजे समय नहीं होता तो बाद में ही सही, लेकिन करंट अफेयर को एक भी दिन आपको मिस नहीं करना। और साथ ही साथ जो है प्लानिंग भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज का मोटिवेशन से पहले वही विद्यार्थी जो आ चुके हैं, करिश्मा, निकिता समरा, तमन्ना, अनीता भरद्वाज, शिखा शर्मा, देवाशीष, इसके अलावा राहुल कौशल, अनुराग और भाई जो है अनुराग चौधरी, शिवानी, अंकिता दिमान, सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, जो आज का मोटिवेशन है, सक्सेस इज द सम ऑफ, अब किसका सम है, स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे, हर रोज ये छोटे छोटे एफर्ट जो आप 5 घंटे 7 घंटे पढ़ते हैं, एंड इन डे एंड आउट। दोस्तों, ये बड़ा ही खूबसूरत जो विचार है रॉबर्ट कोल्डर ने अपनी एक किताब में लिखा था। और जब एग्जाम नजदीक आएंगे तो दोस्तों यही 5-7 घंटे अपने आप जो है 10-12 घंटे में 15 घंटे में बदल जाएंगे, ऐसा भी जरूर विश्वास है अगर आपके अंदर पूरी लगन है ऑफिसर बनने की। तो शुरू करते हैं जी आज का सेशन। सबसे पहले आज के कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इन्वायरमेंट से 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम दोस्तों परम बिकुलम टाइगर रिजर्व के बारे में जो है जानकारी लेंगे, इसके अलावा नेत्रावाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये सुभानश्री लोअर डैम प्रोजेक्ट, जिसमें प्री मॉनसून जो बारिश हो रही है जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। फिर हम स्टैंड अप इंडिया की भी बात करेंगे, क्योंकि इसके 7 वर्ष जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, 16 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए, जब तक हम न्यूज तक पहुंचेंगे, और अभी मैंने आपको बताना है और कौन कौन से टॉपिक, आप मुझे ये भी बता दें नेशनल स्टार्टअप डे कब शुरू किया था 2022 में मोदी जी ने, किस दिन हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये एक रिपोर्ट है एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक की, फिर एक ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट है। इसके अलावा UNSC यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक कमीशन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि भारत को इसके 4 साल के लिए जो मेंबर है वो चुन लिया गया है। यूनाइटेड नेशन की बड़ी महत्वपूर्ण स्टैट से जुड़ी ये संस्था है। फिर दोस्तों, बनारसी पान हो, लद्दाख की वुड कार्विंग्स हो, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का स्टेटस मिल चुका है। दोस्तों, फिर जो है मैरीटाइम टाइम, क्योंकि इसी दिन हमने पहला अपना जो वेसल है शुरुआत की थी। और भाई, ये जो नेशनल टेक्निकल जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है NTRO, तो इनके बारे में भी जानकारी हम लेंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं जहां से हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। दोस्तों, एनवायरमेंट पॉलिसी प्रोग्राम रिपोर्ट, इंटरनेशनल इकोनॉमी, डेज टू रिमेंबर और डिफेंस। तो देखते हैं भाई इनकी जो दोस्तों जो एक्सप्लेनेशन है उसमें से हमें क्या क्या और सीखने को मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया, शिखा और अंकिता, नवदीप भाई, अनीता, बहुत ही बढ़िया, हां जी, कुमारी, करिश्मा, सब इंस्पेक्टर सुरजीत, लगभग काफी सारे विद्यार्थियों ने बताया है कि सर 16 जनवरी को होता है जो है हमारा नेशनल स्टार्टअप डे, बहुत ही बढ़िया। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लाइक जरूर कर दें भाई, सेशन तो हम अच्छा लेते हैं, कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ आप अगले 30 मिनट तक इसे अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा सकते हैं, और इसे आप अपने सभी साथियों के साथ, खास तौर पे जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की, उन तक आप इसे शेयर भी जरूर कर सकते हैं जी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला दोस्तों हम बात करेंगे एक रोप वे प्रोजेक्ट की। तो ये जो रोप वे प्रोजेक्ट है भाई, इसको जो है हमारे कसौली तक, हाँ जी, तो भाई कसौली, चाहे भाई गानों में लिख दिया है कि चंबे जाना है, शिमले नहीं जाना, कसौली नहीं जाना, लेकिन भाई जाना तो जरूर है, क्योंकि वहां पर भी बड़ा खूबसूरत मौसम होता है। और अगर दोस्तों वो रोप वे से होकर जाया जाए तो भाई क्या बात है। तो सबसे पहले तो मुझे आप, निर्मला सीतारमन जी ने लास्ट ईयर दोस्तों इन रोप वे को लेकर हिमालयन रीजन में इन रोप वे के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, आप मुझे उसका नाम बताएं, जिसके तहत चाहे वो शिमला का रोप वे हो, धर्मशाला का रोप वे हो, और ये भाई जाबली से लेकर जो है शिमला तक का दोस्तों ये जो रोप वे है
जिसकी लेंथ 3.88 किलोमीटर है और भाई 200 करोड़ की लागत से ये बनने वाला है दोस्तों, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और भाई ये जो दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन जो इसका निर्माण कर रही है, रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि जावली मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, इसे लोकल भाषा में मोहल भाट का गांव भी बोल देते हैं। अगर आप चंडीगढ़ से जाएं तो मुझे लगता है कि भाई जैसे भाई मैं 25 सेक्टर में हूं तो लगभग लगभग यहां से इस जावली का जो रास्ता है कुछ 40-45 मिनट का होगा। ट्रैफिक भी जो है रहता है, बीच में एक टोल टैक्स है तो भाई। लेकिन खूबसूरत बात क्या है कि जैसे आप जावली पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है आपको यहां पर भाई टाइम लिखा था सिर्फ 20 मिनट में, गाड़ी से लगभग लगभग उसके बाद भी 40-45 मिनट लग जाते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे जो गए हैं वहां से कि सर हम तो 30 मिनट में, भाई 30 मिनट में भी लोग पहुंचते होंगे, 20 मिनट में भी पहुंचते होंगे, लेकिन आराम से लग जाते हैं 40-45 मिनट वहां से भी। तो 20 मिनट में हिमाचल प्रदेश की सुंदर कसौली की सुंदर वादियों को दिखाते हुए ये रोपवे वहां तक पहुंचेगा जी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी लेंथ कितना है, लागत कितनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसका निर्माण करने वाली है। और बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स ने बताया है, शिवानी, शिखा, अर्शिया, राहुल, आशिमा, पर्वतमाला जो योजना थी इसके तहत जो है भाई जो हमारी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है रोडवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जुटी हुई है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है स्टैंड अप इंडिया से। भाई स्टैंड अप इंडिया स्कीम, भाई स्टैंड अप का मतलब ये नहीं है कि भाई आप बैठे हुए थे और खड़े हो गए, इसका मतलब है कि अगर आप में हुनर है और आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप खड़े हो जाएं, क्योंकि भाई जो केंद्र सरकार है आपको बहुत सारे लोन्स आपकी एंटरप्रीन्योरशिप के लिए, आपकी स्टार्टअप के लिए देने वाली है। तो इसकी शुरुआत जो है भाई 2016 में की गई थी दोस्तों और इसके पूरे 7 वर्ष हो चुके हैं। और इस योजना में है क्या, इस योजना में है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के लोन। और दोस्तों ये लोन खासतौर पर कहा गया कि जो SC है, जो ST कैटेगरी से जो जुड़ी वुमेन्स हैं, इसके अलावा भाई भाई ये तो थोड़ा बैंकों के लिए टारगेट्स रखे थे, टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 बोरोवर पर बैंक ब्रांच ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो बैंकों के भी इन्होंने इस स्कीम के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत टारगेट रखे थे कि आपको SC ST वुमेन्स इनके साथ साथ समाज के हर वर्ग को लोन प्रोवाइड करने, लेकिन इस वर्ग को तो आपको मैंडेटरी है, मैंडेटरी करना ही करना है। यहां पर एक वर्ड लिखा है भाई, किस बैंकों के लिए टारगेट रखा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। जिन बच्चों को नहीं पता जल्दी से बता दूं, शेड्यूल्ड बैंक भाई इसका सीधा डेफिनेशन रहता है जो RBI एक्ट के 2nd शेड्यूल में डिफाइंड है, उन्हें हम दोस्तों शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर 2nd शेड्यूल में डिफाइंड होने का मतलब क्या है, कि भाई RBI एक्ट 1934 के 2nd शेड्यूल में डिफाइंड का जो सीधा मतलब है कि भाई ये जो बैंक है ये RBI से रेपो रेट के ऊपर लोन लेने में सक्षम है, उन्हें हम शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। और कमर्शियल दोस्तों चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, जो प्रॉफिट के पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये जरूरी था कि वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और एक वुमेन को लोन जरूर देंगे। और ये लोन 10 लाख से 1 करोड़ के बीच कहीं भी हो सकते हैं। और ये लोन दोस्तों किस पर्पस से है, भाई ये लोन दोस्तों ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस, ग्रीन फील्ड का मतलब है कोई नया स्टार्टअप हो, कोई नया काम, भाई कुछ भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि भाई आपको भाई कौन सा काम हो सकता है, मैं यहां पर क्या एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपको जो है भाई इस रिमोट का मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्योंकि कोविड के बाद भाई इतनी सारी डिजिटल क्लासेस हो चुकी हैं, इतने सारे जो टीचर्स हैं हम डिजिटल क्लासेस पढ़ाने लगे हैं, तो भाई आपको रिमोट मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ग्रीन फील्ड का मतलब है कि वो नए सिरे से हो, बिल्कुल जीरो से शुरू हो, इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ट्रेडिंग सेक्टर एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर, तो इन सभी में ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस को ही लोन दिया जाएगा। और दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने शुरू किया था, फिलहाल जो है इसको जो है दोस्तों एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब इस स्कीम के तहत, एक प्रोग्राम के तहत युवाओं को जो है, महिलाओं को, SC ST के लोगों को अब 2025 तक जो है लोन ये मिलते रहेंगे। तो याद रखें क्योंकि ये 2016 में 16 जनवरी को शुरू हुआ था, तो इस वजह से हम 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में भी उसे ऑब्जर्व या सेलिब्रेट करते हैं जी। और यहां पर मैं सर 5 लाख शेयर होने चाहिए मार्केट में इनके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भाई यहां पर बहुत बढ़िया नवदीप जो आप बात बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, 5 लाख शेयर होने चाहिए मार्केट में इनके, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसे हम आईएफसी बोल देते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक के अंडर काम करती है। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अंडर सिर्फ यही नहीं, पांच मतलब चार और ऑर्गेनाइजेशन है, कुल मिला के देखें पांच ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, जिसमें दोस्तों आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करें, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें जो जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी की बात करें MIGA मिगा बोल देते हैं जिसे, या फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट की बात करें ICSIB बोल देते हैं। और भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जैसे कभी कभार जो क्वेश्चन पूछने वाले ना कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूज कैसे भाई, वो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर नहीं पूछते, इन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं। तो इनका हेडक्वार्टर भी वही है जहां पर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है भाई, वो है वॉशिंगटन DC में। तो दोस्तों न्यूज क्या है भाई, जिस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्ल्ड बैंक का प्राइवेट सेक्टर आर्म भी कहा जाता है, तो इसने कहा है कि हम जो है भारत में और भाई जो कोयले से जुड़े जो प्रोग्राम्स हैं, कोयले से जुड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो है अब आगे हम अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जो हमने पहले वायदे कर रखे हैं, उनसे हम नहीं मुकर रहे, क्योंकि भाई कोयला आप सभी को पता है जैसे कि भाई जो तापमान जो है वर्ल्ड का जो हमारा एटमॉस्फेयर है क्लाइमेट है उस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो अब दुनिया में क्योंकि एक कंसेप्ट है भाई रिन्यूएबल एनर्जी का, और जो कोयले से प्रोडक्शन होती है बिजली की ऊर्जा की वो नॉन रिन्यूएबल है, तो इस वजह से पहले ही ऐसे टारगेट थे कि भाई हम जो है 2000 अगर हम बात करें तो 25 तक अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं कोयला के जो प्रोजेक्ट्स में वो हाफ कर देंगे, और 2030 तक अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बिल्कुल जीरो कर देंगे। तो भारत में इन्होंने कहा है कि इट विल नॉट सपोर्ट द इन्वेस्टमेंट इन न्यू कोल प्रोजेक्ट। जब मैं IFC की बात करूं दोस्तों, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और भाई इसका जो हेडक्वार्टर है ऑलरेडी बता चुका हूं वॉशिंगटन में है, और ये दुनिया का लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि जो डेवलपमेंट के पर्पज से लोन प्रोवाइड करता है, दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसे हम प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। मतलब ये सिर्फ सरकारी संस्थाओं को नहीं दोस्तों, इवन प्राइवेट संस्थाओं को भी उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा देता है। नाम है IFC और वर्ल्ड बैंक के अंडर ये काम करता है। यहां पर जो है भाई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर शेड्यूल्ड बैंक के का अंदर वो बैंक आते हैं भाई, आपने फिर वो लिखा है शेड्यूल बैंक के अंदर वो बैंक आते हैं, नसीब आपने पूछा है बताया है शेड्यूल बैंक के अंदर। वैसे मैं बता दूं लगभग सारे ही बैंक हैं भाई भारत में जो काम कर रहे हैं, फॉरेन बैंक्स को आप छोड़ दी, जो बैंक भारत में रजिस्टर है RBI के साथ, तो वो तो लगभग सारे ही शेड्यूल बैंक हैं भाई, क्योंकि उनको तो रेपो रेट से लोन भी लेना है। चलो रेपो रेट की बात चली है तो एक चीज और बता दूं, आज हमारे करंट अफेयर में तो इंक्लूड नहीं है लेकिन आज की न्यूज़पेपर की सुर्खियों में जरूर है कि दोस्तों लगभग 1.5 वर्ष के बाद कोई मॉनेटरी पॉलिसी जब रिव्यू आया तो भाई ये थोड़ी सी उन लोगों के लिए खासतौर पे जिन्होंने अपने घर के लिए लोन ले रखा है थोड़ी सी राहत की सांस लेकर आया। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से हमारी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के पर्पज से लगातार रेपो रेट बढ़ती रही है, और ये बढ़ बढ़ के दोस्तों 6.5% हो चुकी है रेपो रेट, और जिसकी वजह से अगर आपके घर में आपने लोन ले रखा है आपको पता होगा कि जो EMI थी वो लगातार बढ़ रही थी, तो इसके ऊपर जो है फिलहाल कंट्रोल किया है RBI ने। तो कल जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उन्होंने जारी की है 2023-24 का पहला मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, तो जिसमें कोई रेपो रेट इंक्रीज नहीं किया गया, जिस वजह से भाई EMI के ऊपर कोई जो है अब इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कल का अखबार अगर आपने पढ़ा हो, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कह लीजिए बड़ी ही महंगी खबर थी, ये खबर तो अच्छी है RBI से जुड़ी हुई दोस्तों, वो महंगी खबर क्या थी कल के न्यूज़पेपर में कि सोना अपने उच्चतम जो जो प्राइसेस के ऊपर पहुंच चुका है। भाई आपने अगर देखा हो सोने का जो भाव है 24 ग्राम का, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी अगर आपने इवन 6-7 महीने 1 साल पहले भी उसका प्राइस देखा हो सुना हो, और भाई खास तौर पे अभी आप अपने घर वालों को बताएंगी लड़कियां कि भाई देखिए इतना महंगा हो रहा है, तो भाई मैं तो कहूंगा कि शादी में भाई कहते हैं सोना ले लीजिए, मुझे लगता है कि भाई इतना महंगा हो चुका है उससे सस्ती तो कोचिंग है, और भाई उससे जो है आप इतना ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं, आप ऑफिसर लग के पूरी जिंदगी भर पैसे कमा सकते हैं। तो सोना बहुत महंगा हो चुका है, कितना
सोना हो चुका है दोस्तों, जो जो 24 ग्राम है मतलब एक जो तोला है 10 ग्राम है वो दोस्तों हो चुका है 61,000 का। 10 ग्राम जो सोना है वो 61,000 का हो चुका है। आपको ने शायद सुना है, नहीं सुना तो चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न पर। और दोस्तों जब मैं हाथियों की बात कर रहा हूं तो भाई कहीं ना कहीं आपको केरला जरूर याद आ गया होगा, और अगर आपने लगातार करंट अफेयर अटेंड किए हैं तो आपको एक और इनिशिएटिव कह लीजिए, प्रोग्राम कह लीजिए, अरिकोम्पन अरिकोम्पन का जो है नाम आपको जरूर याद होगा, क्योंकि इसके तहत दोस्तों कुछ ऐसे हाथियों को जिनकी वजह से जो है वहां पर केरला में कहां पर दोस्तों, केरला में अगर हम बात करें परांभिकुलाम रिजर्व और भी कई रिजर्व में जो है कई सारी जान माल का खतरा हुआ, कई सारे लोगों को और दोस्तों बहुत सारा जो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें जो है तोड़ हुई, और जिस वजह से वहां पर जो है भाई कुछ लोग घायल भी हुए और भाई काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। तो उस पर्पज से भाई जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है केरला का, तो उसने इस मिशन, मैं रिपीट करता हूं नाम, अरिकोम्पान जो है ये मलयालम का शब्द है, तो इसके तहत जो है उन जानवरों को पकड़ने की एक मुहिम चलाई है ताकि भाई उनसे कोई नुकसान जो है वो बचाया जा सके। तो मैं बता दूं ये जो परांभिकुलाम रिजर्व है ये दोस्तों केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है। भाई केरला से काफी सारी न्यूज आजकल एकदम से बड़ी है, आज सुबह उठा तो देखा कल G20 की भी दो मीटिंग्स केरला हुई थी, आपको जो है बड़ी हैरानी होगी। इवन दोस्तों एक समिट जो है वो तो भाई वुमेन जो है एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई थी जो वहां की राजधानी थिरुवनंतपुरम में हुई है, और एक दोस्तों डेवलपमेंट के जो पर्पज से है जो कि मीटिंग पलक्कड़ में हुई। और अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ भी हम पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो परांभिकुलाम रिजर्व है ये दोस्तों नीलामपाथी जो हिल्स है केरला में और तमिलनाडु की अन्नामलाई रेंज है उसके बीच जो है ये लोकेटेड है। और भाई ये जो है दोस्तों 2008-09 में जो है टाइगर रिजर्व था, और पहला जो साइंटिफिकली मैनेज टीक प्लांटेशन यहाँ पर हुआ करती थी टीक प्लांटेशन, लेकिन बाद में जो है इस जमीन को भी फॉरेस्ट लैंड में परांभिकुलाम रिजर्व में एड ऑन कर दिया गया। और ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट ट्री यहाँ पर है जिसका नाम जो है वो कानीमारा है। तो कुछ फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स तो आपको साथ साथ याद रखने हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद करनी है अरिकोम्पान, ये जो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस मिशन की केरला में है और ये अभी शुरू हुआ है परांभिकुलाम रिजर्व जो कि केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं भाई, एग्जाम में मार्क्स लेने हैं तो हमें वो भी याद करने पड़ेंगे, और ये न्यूज को थोड़ा और विस्तार से पढ़िए भाई, आपको प्रश्न आ सकता है। जैसे हमने देखा है हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर बंदरों को लेकर बहुत सारे नियम कायदे जो है हाईकोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से बदलते रहे, क्योंकि उस वजह से जान माल का खतरा जब महसूस होता है दोस्तों, ऐसे ही कुछ खतरे यहाँ पर लग रहे हैं जिस वजह से ये फैसला लिया गया। तो इनको थोड़ा विस्तार पूर्वक भी आपको पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर जो है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया जिसका विरोध हो रहा था वहां पर, और 10 करोड़ जो है केरला को फाइन किया गया NGD के बारे में, बहुत ही बढ़िया। आज लग रहा है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी अपनी फॉर्म में लग रहे हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो NTRO से जुड़ा हुआ है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये जो NTRO है, जब कारगिल का युद्ध हुआ था 99 में, भारत पाकिस्तान का युद्ध तो हम जरूर जीत गए थे, लेकिन उस युद्ध से हमने कई सारे सबक सीखे, जैसे कि भाई जो इंफॉर्मेशन है भाई उसका, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसका जो बहुत जल्दी और सटीक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और खास तौर पे युद्ध के समय में तो ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। तो इस वजह से भाई ये चीजें अच्छे से इंफॉर्मेशन डिलीवर हो पाए और हमारा पूरा जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह सिक्योर हो, प्रोटेक्टेड हो, इस वजह से 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो गिरीश चंद्र सक्सेना टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर की गई। अब ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आपको पता है कमेटीज की अगर जब भी बात करते हैं, गिरीश चंद्र सक्सेना टास्क फोर्स रिकमेंडेशन के ऊपर NTRA का गठन किया गया, जो कि एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है दोस्तों, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर काम करती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि प्रधानमंत्री ऑफिस में जो से जुड़ा हुआ है। और भाई इसका जो काम है नेशनल इंस्टीट्यूट क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ, और इसी के साथ साथ इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सुरक्षा को और मजबूत करना है। तो ये तो हमने NTRA के बारे में पढ़ लिया, लेकिन खबर क्या है NTRA के बारे में? खबर यह है कि भाई इन्होंने कहा है
कि भाई हमारी कई सारी, इन्होंने ऐसा अंदेशा जताया है कि हमारी कई सारी पिछले कुछ महीनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन है वो स्टील हुई है भाई किसी ना किसी जो मालवेयर या कह लीजिए स्पाईवेयर की वजह से भाई, जिसको रेकॉर्ड स्टीलर कहा गया है टू द। और ये जो इंफॉर्मेशन दोस्तों कहीं ऐसी 8 सरकारी संस्थाएं हैं, 8 गवर्नमेंट एंटिटी, वहां से ये लीकेज हुई और बड़ी सीक्रेट। मान लीजिए सीक्रेट का मतलब है दोस्तों कि आपके आने वाले दिनों में, मान लीजिए हम HAL की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, डिफेंस की अकेली पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो भाई वो किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आगे काम करे, तो उसको लेकर अगर इंफॉर्मेशन किसी दुश्मन देश के पास पहुंचती है तो भाई उससे बेहतर टेक्नोलॉजी के लिए वो काम कर पाए। तो इस तरह से सरकारी एंटिटी से ये जो रेकॉर्ड स्टीलर है, इसकी वजह से इंफॉर्मेशन लीक हुई है और ये जानकारी NTRA ने दी है। और ये जो जानकारियां लीक हुई हैं, इन्होंने कहा है ईमेल के थ्रू दोस्तों, रिट्रीव सेंसिटिविटी डाटा के थ्रू या मशीन के थ्रू ये जो जानकारी है वो डिलीवर हो पाई। हालांकि उन 8 सरकारी संस्थाओं का नाम NTRA ने नहीं बताया है। तो यहां पर महत्वपूर्ण क्या हुआ, NTRA का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका जो स्थापना कब हुई वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये किस कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर हुई और किन किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये काम करती है, सारे ही फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी एडवाइजर, हाँ जी बच्चे यहाँ पर बात जो कर रहे थे वो कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हाँ जी NSA, हाँ जी। और यहाँ पर बच्चों ने लिख भी दिया, बहुत बढ़िया, अजीत दोवाल है द रैंक इक्वल टू कैबिनेट। मुझे तो लगता है कि कैबिनेट से ऊपर ही है अजीत दोवाल साहब, प्रधानमंत्री के साथ ये 2-3 व्यक्ति ही हमेशा पाए जाते हैं जिसमें से एक अजीत दोवाल है या फिर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। तो मुझे लगता है सबसे जो सबसे मतलब हम बोलते हैं ना जो किचन कैबिनेट, एक शब्द आपने पॉलिटिकल साइंस में जरूर पढ़ा होगा, तो उसमें ये 2 मेंबर्स और भाई हमारे मोटा भाई अमित शाह तो है ही है, तो ये बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस सरकार से जुड़े हुए। आगे चलते हैं और आगे चलेंगे दोस्तों, कहां पर जाएंगे हम, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जिसका नाम है नेत्रावाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो नेत्रावाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां पर भाई, ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, मुझे लगता है बाकी देख लेता हूं एक बार मैं, साउथर्न ईस्टर्न गोवा। रिवर नेत्रावाली और नेत्रोली ओरिजिनेट इन दिस सेंचुरी विच इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द जुआरी रिवर। और भाई ये जो है इसकी जगह का नाम जो है भाई हाँ जी गोवा है, गोवा गोवा लिखा है भाई, मैं तो जो अरुणाचल प्रदेश पता नहीं क्यों मेरे माइंड में बैठ गया, गोवा में स्थित है। तो ये जो नेत्रावाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए दोस्तों ये जो ब्लैक पैंथर है, रेस्क्यूड ब्लैक पैंथर में भी रिलीज, तो भाई ये जो है चले गए थे, ये जो कह दीजिए कि जहां पर लोग रहते हैं आबादी वाले इलाके में चले गए थे ब्लैक पैंथर, और फॉरेस्ट पैंडमैन ने इनको जो है दोबारा से यहाँ पर रिलीज कर दिया है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, जैसे यहाँ पर भाई कई सारे सीजन्स वाटरफॉल चलते हैं, जैसे कि सावरी है, मैनापी है, और यहाँ का वेजिटेशन भी काफी जो है बढ़िया है। तो मोटा माटी बात करें, आपको नेत्रावाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन जरूर पता हो, इसके वाटरफॉल्स का जो है पता हो, और भाई ब्लैक पैंथर जो है यहाँ पर, हालांकि जब आप PDF पढ़ेंगे तो इसका पूरा का फ्लोरा और फ्योना भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इतने सारे जानवर और प्लांट्स का नाम यहाँ पर लिखकर भी क्या करेंगे, ना ही वो आपको याद हो, लेकिन PDF में वो लिखे जरूर हुए हैं, उनको साथ साथ आप जरूर देख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक और रिपोर्ट की तरफ जाएंगे, हाँ जी। तो यहाँ पर एक और रिपोर्ट है, और ये जो रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023, और ये रिपोर्ट जारी किसने की है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने। क्या आप मुझे IRENA का हेडक्वार्टर बता सकते हैं, हम न्यूज को आगे फिर ही लेकर जाएंगे क्योंकि आज से लगभग 20-25 दिन पहले कोई हमारी न्यूज थी इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई दोस्तों, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी को लेकर, तो उस टाइम भी हमने इसका हेडक्वार्टर पूछा था आपसे, लेट्स सी कितने बच्चे देख पाते हैं और कई आप उत्तर बता पाते हैं, यहां पर वैसे तो लिखा भी हुआ है और कईयों ने पता नहीं खुद से बताया, भगवान जाने या उनको पता था। और दोस्तों जो है अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है, और ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये बता रही है कि जो एनर्जी को लेकर जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर जो है इसने कई सारे आंकड़े पेश किए हैं, जैसे कि दुनिया भर में जितनी इन्वेस्टमेंट एनर्जी को लेकर की गई है उसमें से चाइना, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स की ही दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है वो 2/3 है ऑफ ऑल द एडिशंस लास्ट ईयर, लीविंग डेवलपिंग नेशंस फर्दर बिहाइंड। और दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ऐसे बता रहे हैं कि इससे पता लगता है
कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो है ये सारे डेवलप्ड जो नेशंस हैं कितने ज्यादा जो है वो अपना कह लीजिए सेंसिटिव है या कह लीजिए जो है इसको लेकर कितना सीरियस है। तो ये रिपोर्ट बता रही है, तो रिपोर्ट का नाम पता हो, इसका जो रिलीजिंग एजेंसी का पता हो, और जल्दी से बता दूं ये जो आयरिना है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। फिलहाल इसके मेंबर टोटल संख्या 167 है, और भाई भारत जो है इसका 77th जो है फाउंडिंग मेंबर था, और हेडक्वार्टर तो सभी विद्यार्थी लिख ही चुके हैं, अबू धाबी यूएई। तो यहां पर बहुत बढ़िया, पूजा ठाकुर है, विदेश चौहान है, गोल्डी और नवदीप आशिमा, बहुत ही बढ़िया भाई। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों वो है यूनाइटेड नेशन की एक और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। और भाई ऐसा कहा गया कि भारत जो है अब इसका 1 जनवरी 2024 से अगले वर्ष से जो है 4 वर्ष के लिए मेंबर होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये स्टैटिक्स होते क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जो है जान लें भाई। अगर आप लगातार करंट अफेयर की तैयारी करते हैं, हम एक दोस्तों 29 जून को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। 29 जून को भारत के वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो स्टैटिशियंस थे, जिनका नाम था P.C. Mahalanobis, मैं एक बार लिख देता हूं भाई, जो है P.C. Mahalanobis, उनका जन्मदिन होता है। और हम जब इकोनॉमिक्स में प्लानिंग कमीशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो तब भी आता है कि जो दूसरा 5-year plan था 1956 से 61 का, तो वहां पर जब इंडस्ट्री को आगे लाने की बात कही नेहरू जी ने, तो भाई इसके जो फादर कह लीजिए, पितामह कह लीजिए सेकंड के, वो भी इन्हीं को बनाया गया। तो भाई स्टैटिशियंस इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आंकड़ों से आप भविष्य की जो है जानकारी या भविष्य को लेकर जो है अपनी जो है एक्सपेक्टेशंस है वो कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये स्टैट्स ही तो है जिनको लेकर जो गवर्नमेंट है पॉलिसी प्रोग्राम्स तय करती है। तो अब यहां पर जो है इसका मेंबर बनेगा भारत दोस्तों। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैटिस्टिकल सिस्टम की हाईएस्ट बॉडी है, जो कि भाई यूनाइटेड जो कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर काम करती है। फिलहाल इसके टोटल जो मेंबर हैं वो 24 हैं, और भाई हर मेंबर जो है उसका 4 साल के लिए टेन्योर रहती है। तो यहां पर फिलहाल भारत 4 साल के लिए तो मेंबर जरूर हो गया, लेकिन साथ ही साथ आपको पता हो दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल में जो जहां पर टोटल 15 लोग हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, भारत फिलहाल उसमें शामिल नहीं है। ये मैं खास तौर पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो अब फिर जो है दोस्तों यूक्रेन के मुद्दे पर जो है वोटिंग हो रही है, और भाई सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स में भारत फिलहाल नहीं है, तो हमारी वोटिंग का प्रभाव शायद अभी उतना वहां पर नहीं पड़ने वाला है। तो चर्चा में था तो आपको साथ साथ बता दिया। तो फिर अगला जो है क्वेश्चन चलेंगे, और दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है सुनते ही देखते ही हंसी आ गई, अमिताभ बच्चन का डॉन मूवी का गाना याद आ गया। और अगर आपने वो नहीं देखा तो कम से कम भाई जो डॉन 2 थी शाहरुख खान की, तो उसमें भी वही गाना गाया गया कि भाई खाके पान बनारस वाला। तो दोस्तों ये जो बनारस का पान है सिर्फ गानों तक ही सीमित नहीं है भाई, अब इसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिल चुका है, तो बनारसी पान। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों बनारस का ये लंगड़ा मैंगो, लंगड़ा जो आम है, फिर बनारसी पान, यहाँ की रामनगर भंटा जिसको कि भाई वहां की ब्रिंजल मतलब बैंगन कहा जाता है, फिर यहाँ की जो आदम चीनी राइस, इन सभी को भी ऑलरेडी बनारस बहुत मशहूर है। ये सिर्फ पढ़ाई को लेकर ही काशी नहीं कही जाता, खाने पीने का भी बड़ा स्वाद जो है। मैं तो देख रहा था एक दिन भाई एक मनोज वाजपेयी का इंटरव्यू, और वो कह रहे थे कि भाई मनोज वाजपेयी थे शायद, तो भाई कहते वहां पर कम से कम बंदे को 10 दिन जरूर लगाने चाहिए एक साल में, बड़े अजीब लोग हैं, और अजीब इन द सेंस क्योंकि भाई वहां पर जो लोग हैं, जो भगवान शिव का मंदिर है वहां पर, तो भाई भगवान शिव को अपना फैमिली मेंबर समझते हैं, तो बड़ा ही अजीब सा जो है वहां पर, और बड़ा ही कह लीजिए भारत की जो पुरातत्व संस्कृति कहीं ना कहीं वहां पर आपको साधु संतों में देखने को मिल जाती है। तो मैं भी एक बार गया था, और भाई मौका मिलेगा तो आप भी एक बार जरूर जाके आए। तो ये सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हैं दोस्तों। इसके अलावा भाई यूपी में तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, आगरा का मथुरा का पेड़ा है, आगरा का पेठा है, कानपुर का सत्तू और बुकुनू है। ये बुकुनू क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन सत्तू पेठा और पेड़ा तो आपको भी जरूर पता होगा। तो भाई ये बनारसी पान, और अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का दोस्तों आज एक नहीं 2 प्रश्न है। अभी जल्दी से हम लद्दाख जाएंगे, लद्दाख की जो वुड कार्विंग्स है
वुड कार्विंग्स, यहाँ पर तस्वीरें कुछ खास तो नहीं दिखाई दे रही आपको, क्योंकि भाई कल भी हमने बशोली पेंटिंग्स की बात की थी जम्मू की, जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी से जुड़ी हुई थी। तो भाई अब लद्दाख की इन वुड कार्विंग्स, और दोस्तों ये जो वुड कार्विंग्स हैं बड़ी खूबसूरत हैं, और भाई इनको जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दे दिया इनकी यूनिक आइडेंटिटी और ओरिजिन की वजह से। इसके साथ ही साथ बता दूं भाई लद्दाख और भाई ये काफी आजकल ज्योग्राफिकल इंडिकेटर आ रहे हैं। पिछले साल ही दिसंबर में लद्दाख के ये जो एप्रीकोट हैं, एप्रीकोट को हम लोकल भाषा में आड़ू बोल देते हैं, आपको जरूर पता होगा, आड़ुओं को भी एप्रीकोट्स को भी दिसंबर में ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का स्टेटस मिला था। बड़े सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हो चुके हैं, लेकिन कम से कम पिछले 6-8 महीने के उनकी लिस्ट जो है जरूर बना ले, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ से बड़े ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे जो है फिर एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स 2023। नाम थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मुश्किल लग रहा होगा, यहाँ पर भाई बच्चे खुश भी हो रहे हैं, खुली जाए बंद अकल का ताला और चली आना तू पान की दुकान पे 3:30। हाँ जी भाई गोल्डी जो है पता नहीं किसको बुला रहे हैं 3:30, फिलहाल तो जो है लगभग 6:50 का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि गुड इवनिंग, चलिए जी गुड इवनिंग। मघाई बैटल बिहार, बिल्कुल जी बहुत ही बढ़िया। और बुकनू सभी मसालों के पीस दे भाई, देवाशीष बड़ी अच्छी जानकारी देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई WTO की जानकारी है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट ने कहा है दुनिया में व्यापार को लेकर कई सारी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अगले कुछ सालों में। और ये मुश्किलें क्यों बढ़ेंगी दोस्तों, क्योंकि भाई जियो पॉलिटिकल टेंशन आप देखिए भाई, तीसरा विश्व युद्ध जैसा खतरा पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है, फूड इनसिक्योरिटी है, रशिया और यूक्रेन जैसे बड़े देश जिनको यूरोप का जो है फूड बाउल कहा जाता था वो युद्ध में लगे हुए हैं, पोटेंशियल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और स्टेमिंग फ्रॉम द मॉनेटरी, हर तीसरे दिन चौथे दिन हम देखते हैं कि कंपनीज जो ले ऑफ कर रही हैं अपने अधिक जो अपने एम्प्लॉयज उनको निकाल रही हैं। तो भाई इस वजह से लग रहा है कि भाई अभी जो है आने वाले भविष्य में और ज्यादा डाउनग्रेड फाइनेंशियली जो है हम जा सकते हैं। इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि 2023 में जो है हमें उम्मीद है कि जो दुनिया का ट्रेड 1.3% इंक्रीज होगा और 24 में जो है आशंका है और बढ़ेगा, लेकिन फिर भी इन सभी रीजंस की वजह से लगता है कि भाई आशंकाएं कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन भाई इस रिपोर्ट में जो है एक साफ तस्वीर जो है भविष्य के व्यापार की इन्होंने जरूर बता दी है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे एक जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का नाम है सुभानश्री लोअर डैम प्रोजेक्ट। हाँ जी, और भाई यहाँ पर आप तस्वीरें देख ही रहे हैं लैंडस्लाइड की, यहाँ पर भयंकर जो है लैंडस्लाइड आया है। यहाँ पर जल्दी से बता दूं दोस्तों, ये जो सुभानश्री लोअर डैम प्रोजेक्ट है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सुभानश्री, अब क्योंकि ये सुभानश्री नाम क्यों है, क्योंकि ये रिवर जिसके ऊपर स्थित है सुभानश्री रिवर है, जो कि दोस्तों अरुणाचल और असम के बॉर्डर पर है। और ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक दोस्तों सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनमें से एक है भारत का। नाम याद रखें और आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। फिर उसके बाद हम नेशनल मैरिटाइम डे दोस्तों 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर जब क्लास की शुरुआत की थी तभी देवाशीष बोल रहे थे सर आज हेल्थ डे है, बिल्कुल ठीक आज हेल्थ डे भी है दोस्तों, और 5 का जो है ये नेशनल मैरिटाइम डे, क्योंकि इस दिन हमने पहली जो हमारी कमर्शियल वेसल थी जिसका नाम था SS लॉयल्टी, उसकी जो है हमने शुरुआत की थी मुंबई से लंदन तक 1919 में। और भाई अब तो हमने जो है भाई इंडियन मैरिटाइम को नेट जीरो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से चलाना भी हमारी वेसल्स को शुरू कर दिया है। तो एक लंबा सफर तय किया है और भाई ये हम जो है 5 अप्रैल को मैरिटाइम डे सेलिब्रेट करते हैं। और भाई बेटर परफॉर्मेंस के लिए हर साल जो है सागर समन अवार्ड भी अलग अलग ये जो प्राइवेट या कमर्शियल या फिर जो पब्लिक सेक्टर में वेसल चलती है उनको अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के जो है प्रश्न और ये सारे के सारी न्यूज, समझ आई कि नहीं आई वो तो आप मुझे बताएंगे अगले कुछ सेकंड्स में इसके बाद, क्योंकि हम शुरू करेंगे हमारा MCQ सेशन। तो उम्मीद तो मैं करता हूं और कोशिश करता हूं आसान से आसान भाषा में दोस्तों आपको समझाया जाए, ताकि भाई एक लेमैन लैंग्वेज में भी अगर आपने आज ही शुरुआत की है अपने HS की तैयारी की तो भाई आज भी आपको सारे ग्रहण फिर समझ आ पाए। तो उस पर्पस से मैं जो है पढ़ाता हूँ और कोशिश करता हूँ, तो आप भी जो है थोड़ी सी कोशिश किए सब कुछ समझ अच्छे से आ ही जाएगा। तो चलते हैं जी और रेडी फॉर द MCQs दोस्तों। पहला प्रश्न जो है आपके समक्ष ये रहा, बताएं मुझे कसौली रोपवे प्रोजेक्ट का जो है वो लेंथ कितना है। हाँ जी, तो 1.88 किलोमीटर, 2.88, 3.88, 4.88 दोस्तों जो जाएगा जाबली से
कसौली तक, और भाई इसका जो सही उत्तर है वो है 3.88 किलोमीटर। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न ध्यान से पढ़ें, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने शुरू की थी उसने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आईएफसी ने डिक्लेयर किया है कि दोस्तों वो कोयला प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट नहीं करेगा, और परम विकुलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो करेक्ट बताएं पहला और दूसरा, सिर्फ दूसरा, सिर्फ तीसरा, सारे ही करेक्ट हैं। 4 आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से उत्तर दें। और दोस्तों अगर आपको सही से उत्तर नहीं भी आप दे पाते ना जल्दी से, आप इनकी भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, क्योंकि अच्छे से आपने समझा है तो इसमें से आप बता सकते हैं कौन सा गलत कौन सा सही। तो उत्तर देखते हैं, बी का मतलब है सिर्फ दूसरा ठीक पहला गलत, क्योंकि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर दोस्तों ये इसकी शुरुआत की थी, और ये तमिलनाडु में केरला में परम विकुलम टाइगर रिजर्व है, जहां पर जो है दोस्तों जो है हमने रिसेंटली अभी जिसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमारा जो है दूसरा तीसरा प्रश्न, स्टैंड अप ये जो स्कीम है इसका मकसद है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना अमंगस्ट वुमेन एससी एंड एसटी। फिर दूसरा जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो फोकस करती है एक्सक्लूसिव किसके ऊपर, पब्लिक सेक्टर के ऊपर इन द डेवलपिंग कंट्री। पब्लिक सेक्टर का मतलब है सरकारी संस्थाओं में ये लोन प्रोवाइड करती है सिर्फ और सिर्फ। और परम विकुलम टाइगर रिजर्व है, पहला साइंटिफिकली मैनेज टीक प्लांटेशन है इन द वर्ल्ड। तो यहां पे करेक्ट बताएंगे पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, या फिर सारे ही करेक्ट हैं। जल्दी से आप जो है इसका उत्तर दें, और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो सही है, पहला और तीसरा ठीक, दूसरा गलत, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर नहीं दोस्तों, इसको तो प्राइवेट आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है, और इसका हेडक्वार्टर बता चुका हूं ऑलरेडी, वो वॉशिंगटन में है। फिर फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, गवर्नमेंट जो है एलोकेट फंड नहीं करती फॉर लोन्स अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। फिर जो है इंडिया इज ए नोट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, मतलब भारत फिलहाल इसका मेंबर नहीं है। और परम विकुलम टाइगर रिजर्व जो है दुनिया का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट पीक दोस्तों, ये जो टीक ट्री है यहां पर, टीक का जो है सबसे दुनिया का पुराना, और उसका नाम है कनिमारा, और ये कहां पर स्थित है, परम विकुलम टाइगर रिजर्व में। तो आप बताएंगे करेक्ट पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, सिर्फ तीसरा, या सारे ही करेक्ट हैं। तो इसके उत्तर की तरफ बढ़े, और इसका जो उत्तर है दोस्तों डी है, मतलब सारे यहां पर करेक्ट है। तो गवर्नमेंट डज नॉट एलोकेट इसके लिए जो जो फंड्स हैं भाई जो है कौन प्रोवाइड करता है, फिर हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जल्दी से बताएं। हाँ जी सारे सही तो ठीक हैं, तो लेकिन फंड कौन प्रोवाइड करता है जल्दी से बताएं। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो कि दोस्तों वर्ल्ड बैंक का एक हिस्सा है, 5 ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, फिलहाल भारत इसका मेंबर नहीं है, और इसके लिए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है दोस्तों, एग्जैक्ट जो शब्द है यहां पर नहीं लिखा हुआ। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 5वां ध्यानपूर्वक पढ़े, एनटीआरए इसकी स्थापना 2004 में हुई थी गिरीश चंदा सक्सेना टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस के ऊपर, और ये दोस्तों टेक्निकल एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। तो पहला ठीक, दूसरा ठीक, दोनों ठीक, या दोनों ही गलत है, तो जल्दी से इसका जो है आप उत्तर दें। एनटीआरए हमने पढ़ा था ना 2000 भाई कारगिल के युद्ध के बाद 4 में स्थापना हुई थी, तो इसका मतलब है पहला तो ठीक लग रहा है, दूसरा गलत है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं दोस्तों जो है ये काम करती, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है तो बताएं जल्दी से आप मुझे, अगर आपको ध्यान है। राहुल, मानसी, अनुराग, सूरज, आशिमा, जल्दी से बताएं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर ये काम करती है। फिर उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है 6ठा क्वेश्चन, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है, और भाई ये गोदावरी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, तो यहां पर ये दोनों ही गलत है, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ ये गोवा में है, ऑलरेडी आपको बताया था, और भाई चर्चा में है क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे थे ब्लैक पैंथर की, उनको रीलोकेट यहां पर जो है रेस्क्यू करके बाद में किया गया है। फिर उसके बाद हमारा 7वां जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट के बारे में, जिसको रिलीज किया इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने, हेडक्वार्टर इसका रोम है। भाई ये तो मुझे लगता है सारे विद्यार्थी समझ चुके होंगे भाई रोम तो नहीं है, उत्तर देखें सिर्फ पहला ठीक, इस टाइम भी बता ही दिया था भाई इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है, यूएई में है, और भाई आयरेना इसका फुल फॉर्म भी जरूर याद रखें, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। फिर उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए 5 साल के लिए चुन लिया गया है, और भाई इसमें टोटल 24 जो है कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के इस संस्था में जो काम कर रहे हैं। तो यहां पर करेक्ट देखें सिर्फ दूसरा, क्योंकि भारत 5 वर्ष के लिए नहीं 4 वर्ष के लिए, जिसकी अवधि शुरू होगी 1 जनवरी 2024 से, तो तब से हम 4 वर्ष के इसके मेंबर के तौर पे चुन लिए गए हैं।
फिर अगला क्वेश्चन जो है, आदम चीनी राइस को रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिला है दोस्तों, ये किस राज्य से है? ये उत्तर प्रदेश से है। लेकिन सिर्फ आदम चीनी राइस नहीं, हमने बात एक्चुअल में बात की थी शुरू बनारसी जो है वो पान की, तो उसको भी ये मिला है दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। फिर लद्दाख की जो वुड कार्विंग्स है इनको जीआई का टैग मिला दोस्तों। इसकी जो डिजाइन है और यूनिक पैटर्न है जो कि बुद्धिस्ट थीम से जो है वो इंस्पायर्ड है, यहां पर बात करें दोनों पॉइंट जो है बिल्कुल दुरुस्त बिल्कुल ठीक है। फिर ग्लोबल ट्रेड आउटलुक स्टैटिक रिपोर्ट जो है रिसेंटली इसको जो जारी किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किया, जिसमें आने वाले दिनों में जो व्यापार को लेकर जो है कई सारी आशंकाएं बताई गई कि डेवलपमेंट शायद उतनी ना हो पाए। फिर 12वां जो क्वेश्चन है वो है सुभानश्री लोअर डैम प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है और भाई ये सुभानश्री, और इसी रिवर के ऊपर जो है इस डैम प्रोजेक्ट का नाम भी है। सबसे बड़ा जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, रिसेंटली लैंडस्लाइड की वजह से जो ये चर्चा में आया है। फिर नेशनल मैरिटाइम डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? सही उत्तर जो है 5 अप्रैल है। तो दोस्तों इसके साथ आज का ये जो सेशन है वो समाप्त हो रहा है। तो हमारे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव जिसमें से करंट अफेयर एक है दोस्तों, इसके अलावा मैगजीन है, एनसीईआरटी कोर्स है और हमारे बहुत सारे जो पेड कोर्सेज हैं जो बड़े अफोर्डेबल हैं, आप जो है अपनी बेहतरीन जो तैयारी है एक अफोर्डेबल फीस में कर सकते हैं, तो ये भी ऑलरेडी जो है आपके समक्ष है दोस्तों। इनके बारे में कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। तो इसके साथ आज का जो सेशन है वो समाप्त, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।